अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, बहुत बड़े होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत स्पेशल होने वाला है और आज हम बात करेंगे एरोमिक के बारे में कि एरोमिक क्या है और इसमें कौन सी इंग्रेडिएंट्स शामिल है और इसका प्रोडक्शन कौन सा कंपनी करता है। तो इन सारे बातों को समझने और जानने के लिए आज हमारी वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए। तो लेट्स गो फ्रेंड्स। एरोमिक असल में सिलोन फार्मा का एक प्रोडक्ट है और इसका जेनरिक यानी इसका इंग्रेडिएंट्स जो है लिट्राजोल है और ये हमारे साथ 2.5 mg में आती है। अब इसके मेन इंडिकेशन क्या है तो इनको गौर से सुनिए और समझिए। सबसे पहले एरोमिक जो है औरतों की इनफर्टिलिटी यानी बांझपन में इस्तेमाल होते हैं। जब इसका प्रेगनेंसी जो है वो मुमकिन नहीं होती है तो एरोमिक के इस्तेमाल से मुमकिन और कंसेप्शन जो है आसान हो जाते हैं। नंबर दो, इसका जो मेन काम है ये एस्ट्रोजेरॉन जो है, इस हार्मोन्स है, एक केमिकल है जो बॉडी में जिस्म में रिलीज़ होता है, इसके लेवल को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो है कम हो जाते हैं और इसका प्रिवेंशन यानी तहफ़ हो जाती है। पोस्ट मेनोपॉज़ल यानी औरतों की 40-50 साल की उम्र के बाद इनकी जो मंथली पीरियड यानी मंथली बीमारी होती है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से औरतों में एस्ट्रोजेरॉन की लेवल बढ़ जाती है और इस लेवल बढ़ जाने की वजह से उन्हें ब्रेस्ट कैंसर के खतरात बहुत ज़्यादा होते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है तो साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे, साइड इफ़ेक्ट को गौर से सुनिए और इसके बाद इस्तेमाल करें और आप इसको डॉक्टर के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। नंबर वन, पूरी जिस्म के मसल्स में पेन। नंबर दो, पेटिगो सर चक्कर। नंबर तीन, डिप्रेशन, डिजनेस। इसके अलावा GI अपसेट यानी बदहजमी। इसके साथ साथ एलोफीशिया इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। एलोफीशिया में आपके बालों यानी आपके जिस्म के बालों में गंजे स्पॉट्स पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा विजाइनल ब्लीडिंग, वेट चेंज, आपके वेट में आप वेट गेन भी कर सकते हैं और वेट लॉस भी कर सकते हैं। इसके अलावा पल्पिटेशन भी आपका हाई हो सकता है। तो ये थे इसके मेन साइड इफ़ेक्ट। अब इसके डोज क्या है तो इसका डोज जो है औरतों की इनफर्टिलिटी के लिए तो ये महवारी की तीसरे दिन से स्टार्ट करती हैं और BD इसका डोज है यानी दो टाइम आप इसको ले सकते हैं और 5 तक ज़्यादातर डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं और ब्रेस्ट कैंसर में ये भी 5 डेज एडवाइस करते हैं डॉक्टर हज़रत। अब इसको कौन से लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ऐसे लोग जिनको लिवर डिजीज़ है यानी जिगर की बीमारियाँ हैं। नंबर दो, ऐसे लोग जिनको किडनीज प्रॉब्लम है यानी गुर्दे के मसाइल है तो वो लोग बिल्कुल इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे लिट्राजोल यानी एरोमिक के बारे में रिव्यू। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।